हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके घर में जो ओपन बॉटल्स रखा हुआ है, जैसे वाइन का या विस्की का या रामजिन वॉर का, किसी का भी, ये कितने साल तक आप रख सकते हैं। दोस्तों, मैं सील बॉटल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली जो विस्की आप सर्व कर चुके हैं किसी फ्रेंड्स को या खुद पी चुके हैं, जो ओपन है और आपको दिक्कत हो रहा है कि कितना साल मैं रख सकता हूँ, मुझे क्या कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, इसी का आंसर मैं आज दूंगा। सिर्फ विस्की का नहीं, मैं स्प्रिट का भी दूंगा और साथ साथ वाइन का भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कितने साल तक आप अपने विस्की, राम जिन, वोडका, वाइन, बियर को रख सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक बार देख लीजिए सब्सक्राइब कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल बटन को क्लिक करें और बगल में जो घंटी है उसको भी क्लिक करें। बस सब्सक्रिप्शन हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ओपन बॉटल्स आप कितने साल तक रख सकते हैं। दोस्तों, मैं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर चुका हूं, एक है स्पिरिट कैटेगरी और एक है वाइन कैटेगरी, या आप बोल सकते हैं वाइन एंड बियर कैटेगरी। दोस्तों, अगर स्पिरिट कैटेगरी है तो जान लीजिए कि ये फॉर एवर, आप सालों साल रख सकते हैं। और स्पिरिट कैटेगरी में कौन कौन आता है, जैसे रम, जीन, वोडका, विस्की, टकेला, ये सब स्पिरिट है। अब इसको स्पिरिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक डिस्टिल प्रोडक्ट है। दोस्तों, जब ये डिस्टिलेशंस के माध्यम से इसको अचीव किया जाता है, जब अल्कोहल को बनाया जाता है, तब इसको स्पिरिट बोलते हैं। और ये स्पिरिट जो है ये फॉर एवर रहता है। आप शायद सोचते होंगे कि आपका जो विस्की बॉटल ओपन्ड है वो शायद ख़राब हो सकता है कभी भी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, ये आप सालों साल रख सकते हैं। और इस विस्की को आप सालों साल, या रामजिन वोडका उसको सालों साल कैसे रख सकते हैं, छोटा सा एक नियम है जिसके माध्यम से आप सालों साल रख सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये तो ख़राब नहीं होता, मगर उतना ध्यान रखना है कि आपको ये एक कूल प्लेस में रखना चाहिए। कूल प्लेस का मतलब ये नहीं है कि फ्रीज़र में डाल के रखिए या ठंडे में रख के रखिए या आपका कोई एकदम ठंडा जगह हो जहाँ पर रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सनलाइट से दूर। सनलाइट में क्या होता है, अगर सनलाइट के सामने आप रखेंगे या डायरेक्ट सनलाइट आपका रामजिन विस्की के ऊपर पड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसकी ऑक्सीडाइज होने का चांसेस है, यानी ऑक्सीजन उसको ख़राब कर सकता है। हालांकि उतना भी नहीं ख़राब होगा, फिर भी सनलाइट से दूर रखना आपका पहला कर्तव्य है। और कुछ करना नहीं है दोस्तों, आप खुले बॉटल्स को सालों साल 20, 30, 40, even 100 years तक रख सकते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपका विस्की आधा आप पी चुके हैं, आधा गैप है, तो कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितना गैप आपका बॉटल के अंदर में रहेगा उतना ही एयर यानी हवा उसका अंदर में रहेगा, और विस्की का जो फ्रेग्रेंस है, जो फ्लेवर है, वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है। उसके अलावा ऐसे कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, आप आराम से रख सकते हैं। अब बताओ दोस्तों, वाइन और बियर की तरफ, बियर तो आप सब जानती हैं उसका एक सेल्फ लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि बियर में जो है और वाइन जो है ये फर्मेंटेड तो होता है, मगर वो डिस्टिल नहीं किया करता है, उसको सिर्फ फिल्टर किया जाता है। अब जब फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग बॉटलिंग करते हैं, तब खराब होने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसमें जो है बैक्टीरिया या फंगस रह जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि वाइन बॉटल खोलने के बाद आप कितना दिन रख सकते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट वाइन का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टराइज्ड होता है, और वो थोड़ा थोड़ा टाइम भी देता है। अगर देखा जाए तो कोई वाइन में ज़्यादा टैनिन रहता है तो बहुत दिन तक रहता है, अगर किसी वाइन में टैनिन ज़्यादा नहीं रहता वो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाइन आप खोल के रखे हो। सिंपली और साधारण तरीके से आपको बताऊँगा तो ये है कि वाइन बॉटल खोलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 5 दिन तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते दोस्तों। जैसे ही आप कोई भी वाइन बॉटल खोलते हैं, खोलने के बाद ही उसमें ऑक्सीजन घुस जाता है और ऑक्सीडाइज करना चालू कर देता है। हालांकि वाइन अगर ख़राब भी हो जाता है, मैंने ख़राब का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फ्लैट हो चुका है या 5 दिन के बाद एकदम डल हो चुका है, वो एक्चुअली आपको विनीगरी टेस्ट देगा। हालांकि आपको पैलेट के लिए ख़राब नहीं है, पेट के लिए ख़राब नहीं है, मगर फिर भी मैं बोलूँगा अगर हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको वो टेस्ट जो है वाइन का वो मिलेगा नहीं। स्पिरिट का
एक्चुअली इतना हाई प्रूफ रहता है कि वो अपने को अपना सेल्फ लाइफ जो है दमदार करके रख सकता है, मगर वाइन में अल्कोहल तो पहले कम होता है, ऊपर से वो फिल्टर भी है, स्पिरिट नहीं है, तो खराब होने का पूरा पूरा दिन। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने वाइन बॉटल खोला है तो विद इन 5 डेज जल्दी से जल्दी उसको कंज्यूम कर लीजिए। विद इन 5 डेज भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी वाइन तो 3 दिन में ही खराब हो जाता है। अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, यानी वाइन को आप थोड़ा सा रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ठीक ठाक से कॉक को लगाना है, हो सके तो अंदर का एयर जो है उसको वैक्यूम किया यानी हैंड वैक्यूमर से आप निकाल सकते हो, जो ज़्यादातर घर में अवेलेबल नहीं होता है। जो बारटेंडर्स लोग होते हैं वो हैंड वैक्यूमर से उसका हवा जो है निकाल लेता है, उसमें और एक दिक्कत होता है कि उसका जो फ्लेवर वो भी निकल जाता है। तो मैं बोलूँगा कि वाइन का बॉटल आपने खोला है तो 2 दिन या 3 दिन ज़्यादा उसके बाद रखना ही नहीं है, ख़त्म कर देना है। और बियर आप लोग तो जानती है, बियर आप खोलेंगे तो शाम तक खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो उसका अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तुरंत उड़ने लगता है। तो बस दोस्तों यही था सेल्फ लाइफ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, कि विस्की आप लाइफ लॉन्ग रखिए, वाइन 3 दिन से 5 दिन, और बियर तो रखिए मत, पी जाइए तुरंत। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसा वीडियो आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे लिखिए, और किस टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए वो भी लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।